कहानी बगीचा में मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सोचा टॉपिक शुरू करने से पहले आपको अपने गार्डन की कुछ हरियाली दिखा दूं, जिससे कि बहुत आंखों को सुकून मिलता है, क्योंकि इस समय आप सभी का गार्डन बहुत हरा भरा और बहुत सुकूनदायक हो रहा होगा। तो मैंने सोचा कि अपना गार्डन भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसी ब्लूमिंग हो रही है गार्डन में और कितना हरा भरा हो रहा है। तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुकूनदायक होता है, बहुत हरियाली होती है इस समय पे। मॉनसून है ही ऐसा टाइम जो कि बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए। आज मैं आपको कुछ अलग हटके बताऊंगी कि कौन से प्लांट हमें बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने चाहिए अगर हम उनके नेचर से वाकिफ नहीं हैं। तो सबसे पहला है हमारा ये कैलेथिया का प्लांट, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है और नर्सरी से जब हम ख़रीदने जाते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना खूबसूरत सा प्लांट ख़रीदा जाए। तो ये जब सामने पड़ता है तो आपको कोई और प्लांट दिखाई नहीं देगा और आप इसको परचेज़ कर लेंगे, और जब तक घर ला के आप इसके नेचर को समझ पाएंगे तब तक ये आपको बाय बाय कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक प्लांट है। तो इसको आप बिल्कुल ख़रीदने से बचें अभी मॉनसून के सीज़न में। वैसे आप इसको ख़रीद सकते हैं, या फिर आपने इसको कभी और लिया है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भी नई नई पत्ती आ रही है, क्योंकि मॉनसून का सीज़न है ही ऐसा प्लांट की ग्रोथ का। तो बस सबसे बड़ी बात है कि हमें नेचर का पता होना चाहिए कि प्लांट किस नेचर का है और इसे किस टाइप के क्लाइमेट में रखना है, किस टाइप की इसको कंडीशन देनी है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप नए हैं इस लाइन में तो बिल्कुल भी इस तरीके के प्लांट को ख़रीदने से बचें। अभी आप बिल्कुल हार्डी प्लांट्स लें जिनको आप बहुत अच्छे से उनकी केयर कर सकें और उनको पाल सकें। और दूसरा है हमारा ये एग्लोनिमा का प्लांट, ये भी बहुत ही जल्दी गल जाने वाला प्लांट है। अगर इसको थोड़ा पानी ज़्यादा मिल जाए तो भी ये एकदम से गल जाता है और फिर प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर यही बोलूँगी कि आप बिगनर हैं तो आप इस प्लांट को भी लेने से बचें, आप हार्डी प्लांट लें। तो इसलिए मैं कुछ प्लांट बता रही हूँ जिससे कि आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए और आप गार्डनिंग को जब अच्छे से सीख जाए, प्लांट के नेचर को सीख जाए, तो ही आप इन प्लांट्स को ख़रीदें, तो आप इनको बचा पाएंगे और आपको दुख भी नहीं होगा कि इतने सारे मेरे पैसे वेस्ट हुए। और एग्लोनिमा की सिर्फ एक यही वैरायटी नहीं आती, ये बहुत सारी वैरायटी में बहुत खूबसूरत सी पत्तियों के प्लांट में आता है। रेड कलर का भी एक होता है, तो आपने काफ़ी सारी इसकी वैरायटी देखी होंगी। और तीसरा है हमारा ये सेंसेवेरिया का प्लांट, या स्नेक प्लांट भी बोल सकते हैं। तो ये हाइब्रिड वैरायटी है और ये देख सकते हैं आप कि कुछ पत्तियाँ इसकी गल गई हैं। तो आप इसको भी अगर परचेज़ कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, मौसम अच्छा होने दें, यानी थोड़ी बारिश को कम होने दें, उसके बाद ख़रीदें। या फिर आप इसके नेचर को जानते हो तो आप बेशक ख़रीद सकते हैं। और फिर है ये खूबसूरत सी पत्तियों वाला डेफनबेकिया प्लांट, ये भी बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी आप अवॉइड करें बरसात के सीज़न में ख़रीदना, क्योंकि ये भी नीचे से गलता है और आप फिर इसको संभाल नहीं पाएंगे। और हाँ, जितने भी हमारी सैक्यूलेंट वैरायटी होती है वो भी बहुत खूबसूरत दिखती है, उसको भी ख़रीदना से अभी आप बचें, क्योंकि वो भी बहुत ही जल्दी गल जाती है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ बिगनर्स के लिए बनाया था, जो कि प्लांट्स को परचेज़ करने के लिए अभी बहुत उत्सुक होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और गार्डनिंग को बहुत अच्छे से इंजॉय करें, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है गार्डनिंग करने से। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।